नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और क्रांति अक्षर के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। YouTube पर जाइए, सर्च में लिखिए हम देखेंगे, आपको पाकिस्तान की मशहूर गायिका इकबाल बानो जी की आवाज़ में एक नज़्म मिलेगी। उस नज़्म को सुनिए और अंत तक सुनिए। उसके बोल हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे। यह एक लाइव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है, लेकिन जितनी आसानी से हमने यह रिकॉर्डिंग YouTube पर सुन ली, इस गाने का YouTube तक पहुंचना उतना ही मुश्किल था। लाहौर के अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में यह कार्यक्रम रखा गया था। उसमें एक ऑडिटोरियम था जिसकी क्षमता थी 450 लोगों की, लेकिन इस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही क्षमता से अधिक लोग आ गए। इतने अधिक कि ऑडिटोरियम के दरवाजों को खोल देना पड़ा और सामने के मैदान में दूर दूर तक लोग भर गए। लोग कितने? 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, पूरे 50,000 लोग। तारीख थी 13 फरवरी 1986 और नियति ने तय कर रखा था कि यह तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। यह पाकिस्तान के एक मशहूर शायर का 75वां जन्मदिन था और वह शायर ऐसे थे जिनकी शायरी पर, जिनके गीतों पर, गज़लों पर वहाँ के हुक्काम ज़ियाउल हक साहब ने पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद इकबाल बानो जी ने एक के बाद एक उनकी कई नज़में लगातार सुनाई। और यह सब नज़्म सुनाते समय, यह सब गीत सुनाते समय उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। यह काली साड़ी वाली बात बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्काम ज़ियाउल हक साहब ने उस समय पाकिस्तान में साड़ी पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था। वो श्रोताओं के बीच एक के बाद एक नज़में सुनाती चली गईं, लेकिन कार्यक्रम ख़त्म होने से ठीक पहले जनता में से मांग आई कि आप हमें हम देखेंगे सुना दीजिए। 50,000 लोगों की मांग थी तो इकबाल बानो जी उनकी मांग को नकार नहीं सकी और जब उन्होंने यह नज़्म सुनानी शुरू की तो जो शोर मचा और जो ऊर्जा वहाँ पर पैदा हुई, वह ऊर्जा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह केवल उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं जिस ऑडियो की चर्चा मैं आपसे अभी कर रहा था। किसी को पता नहीं था कि इस ऑडियो की रिकॉर्डिंग वहाँ के एक टेक्नीशियन चुपचाप कर रहे थे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सबूत उठवाए जाएंगे, हम देखेंगे। इस नज़्म के बाद यह कार्यक्रम वहीं ख़त्म हो गया। सब लोग अपने अपने घर गए, लेकिन एक घंटे के अंदर ज़ियाउल हक ने आदेश दिया कि लाहौर की एक एक गली को छान लो और इस कार्यक्रम के आयोजक को, उसके संयोजक को और यहाँ तक कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी श्रोताओं को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो। इस तमाम गहमा गहमी के बीच जिस टेक्नीशियन ने यह गाना रिकॉर्ड किया था, उसने बहुत मुश्किल से इसकी एक कॉपी बनाई और उस कॉपी को चुपके से दुबई भेजने में सफल हो गया। और आज हम और आप जो इस नज़्म को सुनते हैं, जो कॉपी हम YouTube पर सुन रहे हैं, वो कॉपी वही है जो सफलतापूर्वक दुबई तक पहुंच गई थी। ऐसा क्या था उस शायर में कि विश्व युद्ध में नहीं डरने वाला, बर्मा की लड़ाई में नहीं डरने वाला, 1965 में हिंदुस्तान की फौज से नहीं डरने वाला, जॉर्डन की लड़ाई में नहीं डरने वाला और यहाँ तक कि अपने ही देश की चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को उठाकर पटक देने की हिम्मत रखने वाला एक 4-स्टार जनरल उस शायर की शायरी से घबरा गया। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म 13 फरवरी 1911 को पंजाब के नरोवाल ज़िले में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है और अब उस शहर का नाम ही फैज़ नगर है। फैज़ के पिता सुल्तान मोहम्मद खान साहब एक बैरिस्टर थे और फैज़ साहब की शुरुआती पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी पढ़नी शुरू की और इसके बाद आगे चलकर उन्होंने अरबी भाषा से पहले ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा एक पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में भी किया और इस तरह फैज़ अहमद फैज़ 7 भाषाओं के जानकार हो गए। फैज़ की कविता में, उनकी शायरी में क्रांति अक्षर किशोरावस्था से ही दिखने लगे थे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे,
जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से नटाले जाएंगे। और कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, ऐ जुल्म के मातो लब खोलो। चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। फैज़ साहब ने इसके साथ साथ ही कुरान शरीफ की भी पढ़ाई की, और ऐसा कहते हैं कि फैज़ साहब को कुरान शरीफ शब्द शह कंठस्थ थी। 1941 में फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एलिस जॉर्ज नाम की एक महिला से निकाह किया। एलिस बहुत ही जहीन महिला थी, और आगे चलकर फैज़ साहब की राजनीतिक जीवन में तमाम फैसलों और गतिविधियों को उन्होंने ही अंजाम दिया। साहित्य और पठन पाठन में कई तरह के काम करने के बाद फैज़ साहब ने सन 1942 में भारतीय ब्रिटिश फौज को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, इसके बाद उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और पाकिस्तान में लाहौर में बस गए। इससे पहले ही फैज़ साहब कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में आ चुके थे, और उनकी कलम ने आज़ादी के नए मायने ढूंढने शुरू कर दिए थे। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जहाँ अब तक तेरी है। देख की आहंगर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख हैं आहन। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है। जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आज़ाद पाकिस्तान में फैज़ साहब ने सबसे पहले जो जिम्मेदारी निभाई वो था पाकिस्तान टाइम्स का संपादक होने का, और इसके अगले ही साल में वो पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए। वे पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आज़म लियाकत अली खान साहब के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन में जाने लगे, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड पीस काउंसिल जैसे संस्थान भी शामिल थे। लेकिन वजीर आज़म साहब के साथ काम करते करते फैज़ को ऐसा लगने लगा कि प्रधानमंत्री जी देश के मुद्दों को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब लियाकत अली खान साहब को भारी असफलता का सामना करना पड़ा, तो फैज़ साहब समेत पूरी कम्युनिस्ट लॉबी में खलबली मचनी शुरू हो गई। इस हलचल का अंदेशा लियाकत अली खान साहब को लग गया, और उन्होंने पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे फैज़ बहुत दुखी हुए। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म की कोई नसर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले। नज़र चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। यूं ही हमेशा उलझती रहती है जुल्म से खलक, न उसकी रस्म नई है न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान साहब के संपर्क में आए, और इन दोनों ने मिलकर कोशिश शुरू की कि कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरह से दोबारा मान्यता दिलवाई जाए। इस सिलसिले में जब एक मीटिंग 23 फरवरी 1951 को जनरल साहब घर पर चल रही थी, उस समय वहाँ से जनरल अकबर खान और फैज़ अहमद फैज़ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। फैज़ अहमद फैज़ साहब पाकिस्तान के जेल में 4 साल रहे, और इसके बाद उन्हें देश छोड़ने की अलिखित शर्त पर जेल से रिहा कर दिया गया। वहाँ से रिहा होने के बाद फैज़ साहब लंदन को रवाना हो गए। लेकिन कहते हैं कि फैज़ साहब ने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन रचनाएं जेल प्रवास के दौरान ही की। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बही मान तिलिस्म, रेशमों अतलसों किम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिस्म, खाक में लिबड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को, लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए।
लौट जाती है, उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। काफ़ी सालों तक बाहर रहने के बाद फैज़ अहमद फैज़ साहब 1958 में पाकिस्तान लौटे, लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वे फिर कुछ समय तक जेल में रहे और 1960 में दोबारा वैसी ही शर्त पर उन्हें रिहा किया गया और वो पहले मॉस्को और फिर मॉस्को से लंदन चले गए। 1963 में फैज़ अहमद फैज़ साहब को लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में फैज़ अहमद फैज़, हमारे क्रांतिकारी शायर, दोबारा अपनी सरजमी पाकिस्तान पर लौटे और वो संपर्क में आए एक बड़े राजनेता के, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उन्हें अपना समर्थन दिया और फैज़ अहमद फैज़ साहब 1964 से लेकर 1977 तक विभिन्न राजनीतिक पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे। 1977 में फैज़ साहब ने तमाम सरकारी ओहदों से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उसी साल पाकिस्तान में एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। पाकिस्तान के 4-स्टार जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की चुनी हुई जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट दिया और खुद सबसे ऊंचे पद पर आसीन हो गए। यह देखकर फैज़ ने ज़ियाउल हक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम देखेंगे हम अहले सफ़ा मर्दूद हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ज़ियाउल हक फैज़ के बढ़ते कद और उनकी शायरी के बल पर हो सकने वाले संभावित विद्रोह से इतना डर गए कि उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी सुनने, सुनाने, पढ़ने और बेचने तक पर पाबंदी लगा दी। 1979 में तानाशाही जनरल ज़िया ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा दे दी, या कुछ इतिहासकार यूँ कहते हैं कि उनकी राजनीतिक हत्या करवा दी। इससे फैज़ अहमद फैज़ साहब को बहुत चोट पहुंची और एक बार फिर वो अपना देश, अपना मुल्क, अपना घर पाकिस्तान छोड़कर लेबनान जाकर बस गए। 1982 में ख़राब तबीयत के कारण फैज़ अहमद फैज़ साहब अपने मादरे वतन पाकिस्तान एक बार फिर से वापस लौटे। 1984 में उन्हें साहित्य के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन जब उन्होंने यह खबर सुनी उसी दिन उसी समय 20 नवंबर 1984 को फैज़ अहमद फैज़ साहब ने अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद कर ली। 1990 में पाकिस्तान की सरकार ने फैज़ अहमद फैज़ साहब को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज़ प्रदान किया, लेकिन फैज़ की शायरी को जो मुकाम मिला, जो ऊंचाई मिली, जो पहुँच मिली, उसके आगे कोई भी सम्मान, कोई भी पुरस्कार मायने नहीं रखता। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, और कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्के बार चले, और बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, और जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजना, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजना, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले, और मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। कुए यार से उठकर सूएदार की तरफ चल पड़ने वाले क्रांतिकारी शायर फैज़ अहमद फैज़ की शायरी, उनकी कविताएं, उनकी गज़लें, उनकी नज़में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया भर की क्रांति को नई ऊर्जा देती रहेगी। आप फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में और पढ़ें और ज़्यादा जानें, और अगली बार एक क्रांतिकारी कवि के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे साथ दोबारा जुड़ें। देखते रहें क्रांति अक्षर।